ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 4th और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स। तो आज स्फेरिकल मिरर के पहले लेक्चर में हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल प्लेन क्या होता है, f is equals to r by 2 कब सही होता है और कब सही नहीं होता, और जब सही नहीं होता तो क्या होता है। ठीक है, तो मजेदार चीजें होंगी, जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लो, नोट्स बनाने को तैयार हो जाओ, शुरू करें। यस, माय नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज योर्स एंड ओनली योर्स ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। तो आइए हेडिंग लगाते हैं, नया टॉपिक शुरू करते हैं, स्फेरिकल मिरर्स। जो बच्चे चाहें वो हमारी वेबसाइट www.physicswallaalakhpandey.com पे जाके इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज तो इसका भाई इंट्रोडक्शन होना है, बेसिक बातें पढ़ना है। ठीक है, आज इसकी बेसिक्स आपको पढ़नी है। अभी तक आप पढ़ रहे थे प्लेन मिरर, ये इस तरफ से पॉलिश कर दिया था, इधर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, ये रिफ्लेक्टिंग, ये पॉलिश, इसको हम बोलते थे प्लेन मिरर। ठीक है, आज स्टार्ट हो रहा है स्फेरिकल मिरर, यानी कर्व्ड मिरर होंगे। जैसे मान लो ये पॉलिश इस तरफ से कर दिया, लाइट इधर से आएगी, लाइट कहां जाएगी, गुफा के अंदर, केव के अंदर जाएगी लाइट, लाइट इधर से आएगी, ये रिफ्लेक्टिंग साइड, ये पॉलिश्ड साइड। तो लाइट जब केव के अंदर जाती है तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, ऐसे याद रहेगा, लाइट अगर गुफा के अंदर जाकर रिफ्लेक्ट हो तो केव के अंदर जा रही तो कॉनकेव मिरर, और दूसरा तो कॉन्वेक्स होता है, जब इधर आपने पॉलिश कर दिया हो और बल्जिंग वाली साइड छोड़ रखी हो, लाइट कहां आएगी, ये बल्जिंग वाली साइड पे, लाइट इस पे आके टकराएगी, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ये दोनों कौन से मिरर हैं, स्फेरिकल और ये तो प्लेन। अब बात आती है सर इसको स्फेरिकल मिरर क्यों बोला, स्फीयर कहां है। चलो इमेजिन करते हैं, इमेजिन करो तुम्हारे पास ये एक स्फीयर है, क्या है ये स्फीयर, सर्किल नहीं है, सर्किल नहीं है, क्या है ये स्फीयर है, 3D में सोचो ऐसे पूरा स्फीयर है। ठीक, आपने क्या किया, जैसे इस तरफ मान लो आपने क्या किया, बाहर से पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया, आपने बाहर से पॉलिश कर दिया, मान लो ऐसे बाहर साइड से इसको पॉलिश कर दिया। ठीक है, और मान लो यहां से हम इसको काट ले, एक छोटा सा पीस काट ले, 3D में सोचना, जब काटोगे तो ऐसे गुफा से ऐसा दिखेगा भाई, बाहर से पूरा पॉलिश किया, 3D में स्फीयर है, सर्किल नहीं, स्फीयर, आपने बाहर से इस तरफ पॉलिश कर दिया। ठीक है, अब आपने यहां से ऐसे खचाक से चाकू मार के ऐसे काट लिया इतना बड़ा, तो उसमें बाहर से तो पॉलिश है, लाइट कहां जाएगी, अंदर कटोरे जैसा दिखेगा पीला रहा है कुछ, कटोरे जैसा, प्लेट जैसा, और लाइट यहां अंदर आके टकराएगी। तो यहां से जो काट के आप चीज बनाओगे वो यही तो बनेगा, कॉनकेव मिरर। सोचो कच 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 काटा, ये बन गया कॉनकेव मिरर, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्टिंग साइड कॉनकेव साइड है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग साइड या रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस तरफ से अगर हम मिरर बनाएंगे तो बन के आएगा कॉनकेव मिरर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर, स्फीयर से कट के बना। अच्छा, मान लो इस तरफ क्या किया हमने, इस तरफ अंदर से पॉलिश कर दिया, दोनों अलग अलग स्फीयर भी हो सकते हैं, हम सेम स्फीयर में समझा रहे हैं, आपने अंदर से पॉलिश कर दिया, अब यहां से सोचो चाकू से ऐसे काटे, इस बार क्या होगा, अंदर से पॉलिश है, वही कटोरा पलट गया है ना, कटोरे का मुंह उधर है, अब इधर उसका बेस है, अब लाइट बेस पे आके टकरा रही है ऐसे, कहीं ये कॉन्वेक्स मिरर तो नहीं, बिल्कुल, तो अब की बार रिफ्लेक्टिंग साइड ये वाली हो गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका कॉन्वेक्स साइड है, तो ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर। और दोनों कौन से मिरर है बच्चों, स्फेरिकल मिरर, क्योंकि एक स्फीयर से बनाए जाते हैं, किससे बनाते हैं, स्फीयर से, इसी स्फीयर में से ऐसे काट लो बड़ा सा, ऐसे काट लो छोटा सा। वैसे हम बता दें आज के लेक्चर में थोड़ा बहुत इधर उधर कराएंगे भी, आगे से लेक्चर में आपके बहुत ही छोटे मिरर होने वाले हैं, यानी बहुत छोटा सा पीस कटेगा, आपके सिलेबस में मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर ही है, आज तो हम सवाल अच्छे कराएंगे भी, देखना बड़े बड़े मिरर भी लेंगे। खैर, तो मैंने बताया कि अगर रिफ्लेक्टिंग साइड इधर है तो कॉनकेव, रिफ्लेक्टिंग साइड बाहर है तो कॉन्वेक्स। फिर आपने कुछ टर्म सुने होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या होता है, जिस स्फीयर से मिरर को काट कर बनाया है, जिस स्फीयर से
मिरर को काट कर बनाया है, उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उस सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो गया, अपने आप डेफिनेशन लिख लोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई तुमसे पूछ भी नहीं आ रहा डेफिनेशन, बोर्ड वोर्ड में भी ये सब फालतू बातें नहीं पूछ रहा, अच्छे सवाल आएंगे। क्लियर है, मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का जो सेंटर है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर से लेके पेरिफेरी तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस। सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो भाई मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का जो रेडियस है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई पूछे व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो मिरर ये कटा हुआ मिरर, छोटा सा मिरर जिस बड़े से स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का जो सेंटर है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। नोट करो, फिर पोल बता देते हैं। क्या दिखाई पड़ रहा है पूरा कैमरे में, बहुत बढ़िया दिख रहा है। हाँ, इसके बाद देखते हैं पोल क्या होता है। पोल है ना, सुन रखा होगा ये सब टर्म आपने, पोल। मैं हट जाता हूं। पोल, पोल क्या होता है, मिरर के मिड पॉइंट को हम पोल बोलते हैं। मिरर के मिड पॉइंट को हम पोल बोलते हैं, मिरर के मिड पॉइंट को हम पोल बोलते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे कॉनकेव मिरर बनाया, कच 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 कच, कैसा होगा एक्चुअल में, तो ये किसी बड़े से स्फीयर का पार्ट होगा, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस पार्ट का जो सेंटर है उसको बोलते हैं पोल। क्लियर, मिरर का जो सेंटर है उसको बोला पोल। मिरर किसका पार्ट है, बड़े से स्फीयर का, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये लाइन जो ज्वाइन हुई इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सब छोटी-छोटी चीजें हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। पोल समझ में आ गया, व्हाट इज पोल, सेंटर ऑफ मिरर। ठीक है, और इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड, बड़ा फेमस नाम है यार, सुन रखा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। कमाल की बात यह है कि प्रिंसिपल में इस बार स्कूल के प्रिंसिपल वाली स्पेलिंग होगी, सिद्धांत वाला प्रिंसिपल नहीं, मेन प्रिंसिपल, हेड एक्सिस, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सिस। स्कूल में प्रिंसिपल होता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिनका आपने और भी नाम रखे होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स उठा लो। ठीक है, मुझे याद आ गया था हमारे प्रिंसिपल के बच्चों ने क्या नाम रख दिया था। ठीक है, एनएल सिंह नाम था हमारे प्रिंसिपल का, उनका बच्चों ने जो नाम रखा था, है ना। यहां से तो कोई कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है, नहीं बोलना है मेरे को। हाँ सर, तो ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर की स्फीयर, ये हो गया इसका सेंटर, ये हो गया पोल, और ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई, नोट कर लो, फिर बात करते हैं फोकस की। ठीक है, अपने सिलेबस में जो मिरर होंगे ना बहुत छोटे होंगे, यहां से काटे जाएंगे ऐसे, आगे से जो लेक्चर आएंगे, आज तो हम सब डिस्कस कर रहे हैं, आगे से लेक्चर आएंगे बहुत ही छोटे मिरर होंगे। जैसे एक चीज और होती है अपर्चर, वो भी सीख लो, अपर्चर भी बता देते हैं, यहां पर सीखो अपर्चर, अपर्चर इतना नोट करो, बताएं फिर अपर्चर नोट कर लिया, छाप लिया, पॉज करके छाप लो और चलते हैं। अपर्चर देखो, अपर्चर क्या होता है, उसी मान लो एक कॉनकेव मिरर उठा लिया, ये बताओ एक लाइन है कि ये कोई मतलब 3D सरफेस है, भाई कटोरे जैसा सरफेस है ना, बताए ना, यहां से काटा तो ऐसे बाहर पूरा पॉलिश्ड है और अंदर से खोखला है, तो एक्चुअल में तो 2D ऐसा लग रहा है या सिंगल लाइन लग रही है 1D में, एक्चुअल में तो ऐसे। तो देखो अगर यहां से आप देखो ध्यान से तो ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये अब फील हुआ अंदर लाइट जाएगी इसके कटोरे के, कॉनकेव मिरर के। तो बच्चों ये जो पार्ट होता है मिरर का, ये जो सरफेस होता है, इस सरफेस को हम अपर्चर बोलते हैं। बोलो आगे समझ में, है ना, जो कटोरे का ये टॉप सरफेस ले लोगे ये, इसको बोलते हैं अपर्चर, और इस अपर्चर के रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ अपर्चर। ये डिफरेंट होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर से, एकदम डिफरेंट होता है, मिलाना नहीं। व्हाट इज दिस आर, आर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अपर्चर। इसका उतना यूज नहीं है जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर का यूज है।
आपके सिलेबस में कहा जाता है मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर, मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर यानी इसका अपर्चर बहुत छोटा, यानी बहुत छोटे मिरर लिए जाते हैं आपके सिलेबस में होते हैं मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर, ये छोटा सा मिरर और ये इसका छोटा सा अपर्चर, ठीक है। आपके सिलेबस में बड़े बड़े मिरर नहीं उठाए जाते। आज तो पहला लेक्चर तो सब समझ रहे हैं आप, बोलो अपर्चर समझ में आ गया, ये सरफेस को अपन बोलते हैं अपर्चर, कॉनकेव के लिए भी होगा और कॉन्वेक्स के लिए भी होगा। हो गया, इतना क्लियर है, नोट कर लिया, फोकस पे आए, इसका इसका अभी कोई रिलेशन नहीं। प्रिंसिपल एक्सिस क्लियर हो गया, एक्सिस ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर विद पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर जिस स्फीयर से बना है उसका जो सेंटर है, ये सर्किल नहीं है स्फीयर है, पॉज करके नोट कर लें। चलिए मिटा रहे हैं, मिटाएं मिटाएं मिटाएं, बहुत बढ़िया। अब आते हैं फोकस के ऊपर, आपका फोकस कहां है सर? मिरर तो किस थर्ड लाइन में जो बैठती है, ओए ये सब बातें यहां नहीं करनी। हाँ तो आओ, तो अब आते हैं अपन फोकस के ऊपर, ठीक है। व्हाट इज फोकस, इसको मिटा देते हैं। हाँ आओ, फोकस ठीक है, या इसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, इसको कई लोग फोकल पॉइंट भी बोलते हैं, फोकल पॉइंट ठीक है, कैपिटल एफ फोकस या फोकल पॉइंट। अब ये दोनों मिरर के लिए मुझे अलग अलग बताना पड़ेगा, पहले कॉनकेव के लिए बताते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए सुनो, एक कॉनकेव मिरर बना लो, बन गया, यहां से पॉलिश कर दिया, हाँ भैया पॉलिश हो गया। ये मैंने बना ली क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो गया पोल, यहां पे क्या लगाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट आए विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोला, अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट आए विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे आके लाइट लड़ी, क्या बनाओगे भाई, रिफ्लेक्शन में सबसे पहले क्या बनाते हैं नॉर्मल। अरे भाई किसी भी प्लेन सरफेस पे जब लाइट लड़ती थी हम पहले नॉर्मल बनाते थे, और यहां नॉर्मल बनाते हैं, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, होना तो रिफ्लेक्शन है। अच्छा, मैंने तुमको बताया था कि स्फेरिकल सरफेसेस में, कर्व सरफेसेस में नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करता है, याद है, अगर स्फेरिकल सरफेस है लाइट आके ऐसे टकराई है, यहां पे नॉर्मल बनाना है तो नॉर्मल कहां से पास करेगा, सेंटर से, हमेशा हमेशा, कोई भी कर्व सरफेस है, मान लो लाइट आके यहां टकराई, यहां पे आपको नॉर्मल बनाना है तो नॉर्मल इसके सेंटर से जरूर पास करेगा, क्लियर। तो आप यहां पे जब नॉर्मल बनाएंगे बच्चों तो वो नॉर्मल यहां सेंटर से पास करेगा ऐसे, यहां पे बन गया नॉर्मल n, इसमें बना लो n, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, इतना ही बड़ा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लाइट आई यहां पे लड़ी और यहां से लाइट आके भी यहां पे लड़ी, अरे वाह हां कॉमन पॉइंट पे लड़ी, और इस कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस थी, ये हमारी इंसिडेंट प्लेस थी, विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर दे मीट एट अ कॉमन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड फोकस या फोकल पॉइंट। रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसको जल्दी से छापो लाइट की स्पीड में, of a concave mirror after comma लगा लो, after reflection meet at a common point after reflection meet at a common point on the principal axis, this point is called क्या focus। छाप लिया यार, नहीं पूछता definition question, पर आपको पता है actually है क्या, rays of light coming parallel to principal axis of concave mirror after reflection from the mirror meet at a common point on the principal axis of the mirror and this point is called focus। यहाँ पे एक छोटी सी बात और याद रखनी है, that these rays should be पैरा एक्सियल रेज, मतलब ये रेज जो हैं ये बहुत ही क्लोज हो प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरा एक्सियल रेज, इंजन रेज की बात ही कैसी हो, पैरा एक्सियल रेज,
ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं तारा बना के, रेज शुड बी पैराएक्सियल, पैराएक्सियल रेज। पैराएक्सियल वो होती है बच्चों जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक हो, और जो दूर होती है उनको बोलते हैं मार्जिनल रेज। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज हो, शुड बी पैराएक्सियल रेज, मतलब वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत पास पास हो इसके। अच्छा देखो, हमने लेक्चर के शुरू में ही बोल दिया आपके सिलेबस में छोटे छोटे मिरर हैं, अगर भाई छोटा ही मिरर होगा तो रेज तो अपने आप प्रिंसिपल एक्सिस के पास हो जाएंगे, इसीलिए बुक्स में ये बात कई बार नहीं मेंशन करता। समझ में आ रहा, आपके सिलेबस में जो मिरर है एक्चुअल में बहुत छोटे हैं। अब भाई अगर छोटा मिरर होगा तो जो भी रेज तुम ले जाओगे वो अपने आप प्रिंसिपल एक्सिस के पास हो जाएगी, है ना, मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर है ना आपके सिलेबस में, ठीक है। खैर, इसके लिए हमें याद रखना चाहिए कि रेस कौन सी होनी चाहिए, पैराएक्सियल, इसके बहुत क्लोज हो। अगर ये दूर होंगी प्रिंसिपल एक्सिस से, सुन लो बता दे रहे, अगर ये दूर होंगी, पता नहीं क्या बता रहे हैं, टेंथ में पढ़ाई नहीं होने, अगर ये दूर होंगी प्रिंसिपल एक्सिस से तब ये प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट तो करेंगी रिफ्लेक्शन के बाद, बट तब उस पॉइंट को हम फोकस नहीं बोलेंगे। अगर रेज यहां भी आ रही है, पैरेलल है अभी भी प्रिंसिपल एक्सिस पर, दूर है तो भी मीट तो करेगी यहीं कहीं, मान लो ऐसे रे ले ले दूर दूर, मीट तो यहीं कहीं करेगी, बट दैट पॉइंट इज नॉट फोकस। या ये मान लेना कि आपके सिलेबस में जो मिरर है वो छोटा है, फिर ठीक है, अगर छोटा ही मिरर है तो कोई टेंशन ही नहीं है, जो भी रे लोगे पास ही होगी अपने प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। आई थिंक आई हैव स्पोकन सफिशिएंट वर्ड्स। और रेज दूर होती है तो उनको मार्जिनल, सो रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर मीट एट अ कॉमन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस और फोकल पॉइंट। अच्छा एक चीज देखो, इसमें रेज एक्चुअली मीट कर रही है, रेज एक्चुअली मीट कर रही है, तो हम बोलते हैं कि कॉनकेव मिरर के पास रियल फोकस है, क्यों, क्योंकि रेज सच में मिल रही है। और जरा कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, बेचारा गरीब मिरर, सबको पता है इसकी कंडीशन, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या बोर्ड दिखाई पड़ रहा है, सर आपने ढाक लिया है पूरा बोर्ड, कॉन्वेक्स मिरर, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस इसकी बराबर बनाए, इसका भी क्या बना दिया जाए प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे पोल, यहां पे सेंटर, अरे इसका सेंटर इधर होता है, याद रखना यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका उस तरफ होगा। अच्छा इसमें भी पैरेलल रेज लेके आनी है, पैरेलल रेज लेके आए कुटुक कुटुक, पैरेलल रेज लेके आए क्या बनाओगे, नॉर्मल, इस पॉइंट पे नॉर्मल कहां से पास करेगा, सी से, इस पॉइंट पे नॉर्मल कहां से पास करेगा, सी से, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, ये रेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, अब क्या होगा, ये रेस रिफ्लेक्ट होंगी, कैसे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो यहां पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा मान लो, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ मान लो ये भी थीटा, और ये भी थीटा, के पैरेलल है तो एंगल भी सेम होगी, ठीक। यहां पे आओ, मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है थीटा, तो अब रिफ्लेक्शन कुछ इस तरफ होगा, है ना, तो देखा गया कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो पीछे जाकर किसी एक पॉइंट पे मीट कर रही थी, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो पीछे जाके किसी एक कॉमन पॉइंट पर मीट कर रही थी, डाइवर्ज करता है ये रेस को, ये कन्वर्ज करता है इसको, देखो आप कन्वर्जिंग भी बोल सकते हो, कन्वर्जिंग मिरर, रेस को क्या किया इसने, कन्वर्ज कर दिया, कुछ कन्वर्ज मतलब होता है जोड़ देना, और ये रेस को क्या करता है, डाइवर्ज, या कैसे लड़ी खचे फैल गई, इसको आप डाइवर्जिंग मिरर भी बोल सकते हो। सब बहुत बेसिक चीज है, नौवीं कक्षा में आपने पढ़ी होगी, सर तब तो मिरर ही नहीं समझ में आया था, रट के चले गए थे। अब सुनो इसकी कहानी, rays of light coming parallel to principal axis of a convex mirror, rays of light coming parallel to principal axis of a convex mirror after reflection diverges, after reflection diverges, the divergent rays on being produced backward, the divergent rays on being produced backward meet at a common point on the principal axis of the convex mirror and this point is called focus, kya
रे क्या हुआ खाली यार ये रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक बार समझ लो अच्छे से ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर कॉमा आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्जेस द डाइवर्जेंट रेज द डाइवर्जेंट ये है डाइवर्जेंट डाइवर्ज करके फैल गया द डाइवर्जेंट रेज ऑन बीइंग प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड ऑन बीइंग प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड मीट एट अ कॉमन पॉइंट ऑन द principal axis and this point is called yes focus clear hai? This point is called yes focus clear acha yahan pe bhi rays kaisi honi chahiye paraxial very very close to principal axis ye aise samajh lo ki syllabus mein jo mirror hai wo chota hai to apne aap close ho jayegi agar close nahi hui agar dur hui marginal rays to bhi wapas milengi yahi kahin but focus pe और इसके फोकस को हम बोलते हैं इमेजिनरी फोकस क्या बोलते हैं इमेजिनरी फोकस क्योंकि रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही सर कितना बातें बता रहे हो क्या रेज सच में मीट कर रही है नन्ना अपीयर्स टू मीट पीछे जाने टिक करने पे इसमें एक्चुअली मीट रियल फोकस इमेजिनरी नॉट दैट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था समझ में आ गया यहाँ पे लाइट आई ये सब सीख लो नॉर्मल बनाया फिर जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना इन्हीं सब में दिक्कत होती है एक्चुअली एंगल ऑफ यहाँ पे आए नॉर्मल बनाया जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल बनाया एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नोट कर ले क्लियर हो गया फोकस या फोकल पॉइंट का कंसेप्ट अब बात आती है कि ये डिस्टेंस कितना होगा इसी को बोलते हैं फोकल लेंथ ये डिस्टेंस कितना होगा इसी को बोलते हैं फोकल लेंथ अच्छा ये डिस्टेंस कितना होगा सोच के बोलो ये पूरा स्फीयर बन जाएगा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो आ, 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 कभी खुशी कभी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा और एफ कितना होता है ये डिस्टेंस फोकल लेंथ कितना होता है आर बाई टू वही हम बताने जा रहे हैं कि आर बाई टू कब होता है जब नहीं होता तब क्या होता है मिटा रहे एक दूसरे से करते हैं प्यार हम मिटा रहे एक दूसरे के लिए बेकरार हम एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े नहीं यार मरना ज्यादा हो गया जिंदगी बहुत हसीन है ना और तालाब में मछलियां बहुत ढेर सारी हैं तो मरने की जरूरत नहीं है ओके सो वेयर वाज आई या फोकल लेंथ सो लेट्स गो टू अनदर टॉपिक दैट इज फोकल लेंथ डिनोटेड बाय स्मॉल एफ फोकल लेंथ डिनोटेड बाय स्मॉल एफ What is this focal length? It is the distance from pole to focus. Pole से focus तक के distance को हम focal length कहते हैं ठीक Pole से focus तक के distance को हम focal length कहते हैं काम करते हैं concave mirror ले लेते हैं उसमें पूरी कहानी को समझ लेते हैं जो कहानी concave पे होगी वही कहानी कॉन्वेक्स में भी अप्लाई हो जाएगी बस डायरेक्शन थोड़ा चेंज होगा तो पहले कॉन्केव में समझ लेते हैं मान लेते हैं कि यहां मेरे पास एक कॉन्केव मिरर है और ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा पोल यहां कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर एक रे ऑफ लाइट आई विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर व्हाट विल हैपन यू विल ड्रॉ नॉर्मल टिंग डिंग 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 You will draw normal over here, N. Now what will you do? Reflection. और reflect होके ये ray of light यहाँ कहीं मिल जाएगी. और reflect होके ये ray of light यहाँ कहीं मिल जाएगी. और इसको हम बोलेंगे focus F. अब ये जो distance है, ये वाला pole से focus का, इसको बोलते हैं focal length. The distance between नहीं बोला, the distance from pole to focus. अभी बताएंगे ये तरीका है जो भी डिस्टेंस मेजर करो पोल से करो ठीक है यहां से इनकी अब एक पता नहीं इनकी एक मर्जी है कि जो भी डिस्टेंस आज से मेजर करोगे सब पोल से पोल राजा तो ये डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ
अच्छा आपको ये तो पता है कि ये डिस्टेंस आर के बराबर होगा, है ना, मतलब ये नहीं यहां से यहां तक का, पी से सी का जो डिस्टेंस पी सी है वो आर के बराबर होगा, इस पे तो कोई डाउट नहीं होगी आपको, क्या डाउट है, ये आर होगा ना पी सी, क्योंकि देखो स्फीयर कंप्लीट हुआ, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, हमें एफ निकालना है। तो जनरली आप अभी तक पढ़ते आए हो बचपन से आज तक कि एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, विच इज रॉन्ग, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू की एक पर्टिकुलर कंडीशन होगी, ठीक है, F is equals to R by 2 की एक पर्टिकुलर कंडीशन होगी, आप सीखो कि एक्चुअल आंसर क्या है, फिर उसके ऊपर सवाल भी प्रैक्टिस कराएंगे हम, आओ देखते हैं, आओ ये डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं, शुरू किया जाए, चलो शुरू करो अंताक्षरी, लेके प्रभु का नाम, हाँ, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको थीटा मान लें, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी थीटा, ये रिफ्लेक्ट हुई ना लाइट, ये नॉर्मल है, ये भी थीटा हो जाएगा, अच्छा जरा देखो ये जेड बन रहा है, देखो ये दोनों पैरेलल है, अपने अपने आप पैरेलल ले लिए, ये Z बन रहा है, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, सही है, इसको और सीधा बनाते हैं, हाँ, देखो कचक कचक कचक, ये थीटा तो ये भी थीटा, टिक टिक टिक, चलो इतना समझ में आ गया, आप सुनो एक काम करते हैं, अच्छा ये थीटा ये थीटा, ये ट्रायंगल आइसोसेलीस ट्रायंगल हो गया, ये थीटा कैसे समझ में आया, कचक कचक, ठीक है, अब ये एक आइसोसेलीस ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलीस ट्रायंगल में अगर आप परपेंडिकुलर गिराओगे तो अपने आप वो इस साइड को बाइसेक्ट करेगा, ये आइसोसेलीस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, मान लो ये आइसोसेलीस ट्रायंगल है थीटा थीटा, यहां से आप परपेंडिकुलर गिराओगे तो अपने आप वो इस साइड को इक्वल हिस्सों में बांट देगा, तो मैंने एक काम किया कि यहां से एक परपेंडिकुलर गिराया, ऐसे इस परपेंडिकुलर ने इस डिस्टेंस को, इसको कुछ नाम दे दिया जाए, क्या नाम दे दे इस पॉइंट को, ए दे दे, ए, इस डिस्टेंस AC को इक्वल डिस्टेंस में बांट दिया, बोलो क्लियर, आइसोसेलीस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी मैंने बताई कि अगर ये आइसोसेलीस ट्रायंगल है, ये एंगल बराबर है, और यहां से आप परपेंडिकुलर गिराओगे तो ये दोनों साइड को बराबर हिस्सों में बांट देगा, मैंने परपेंडिकुलर गिरा दिया, बहुत बढ़िया किया सर, मुझे बताओ ये AC होगा कितना, सोच के बताना, कहीं ये एसी आर के बराबर तो नहीं होगा, देखो ये स्फीयर और ये सेंटर, ये स्फीयर और ये सेंटर, यही तो एसी बनाएगा, तो ये भी तो आर के बराबर होगा, और इसका आधा कितना हो जाएगा, ये आर बटे दो, कोई डाउट, ये कितना हुआ, ये रेडियस के बराबर हुआ कि नहीं, देखो, और उसी को आधे में डिवाइड किया तो आर बटे दो, ठीक है सर, अच्छा बहुत बढ़िया, अब मैं ये ट्रायंगल उठा रहा हूं ये वाला, इसमें मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, चलो x, CF जो डिस्टेंस है इसको x मान लेते हैं, ये ट्रायंगल उठा लेते हैं, इसको बोल देते हैं b, आओ ये ट्रायंगल उठा रहे हैं हम BCF, यहां पे 90 डिग्री है, देखो b पे 90 डिग्री है, ये b रहा, ये c, ये f, CF को आपने x माना है और BC कितना है r/2, यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ पे थीटा चिपका दिया मैंने, बोलो ठीक है, इस ट्रायंगल में ये दोनों राइट एंगल है और ये हाइपोटेन्यूज है, अगर यहां से मैं पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, बोलो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस होगा या भाई, ये तो हाइपोटेन्यूज है ना, इसको कैसे बेस सोच रहे, ये तो सबसे लंबी साइड है, दोनों राइट राइट एंगल पे है और ये लंबी साइड है, तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस ये है, ये हाइपोटेन्यूज, यानी आर बाय दो बटे एक्स, यही होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अच्छा ठीक है, आर बाई दो, यहां से एक्स निकाल सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू आर बाई टू कॉस थीटा, बोलो समझ में आ रहा है, क्या कर रहे हैं हम, हमने ये सब कहानी करा के एक्स निकालेंगे, आर पता है, आर में से एक्स माइनस करके एफ आ जाएगा, आई बात समझ में, क्या किया मैंने, नॉर्मल बनाया, उसके बाद क्या किया, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर गिरा दिया, ठीक है, फिर मैंने कहा यह आइसोसेलीस ट्रायंगल है इसको बराबर इसमें बांटेगा ये r के बराबर, तो r by 2, फिर मैंने ट्रायंगल उठा लिया, मैंने cos थीटा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहां से x की वैल्यू निकालना चाह रहे, r by 2 cos थीटा, क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं r by 2 sec थीटा, भाई cos थीटा को ऊपर ले आए तो क्या बन जाएगा, sec थीटा बन जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है, x is equals to r बटे 2 cos थीटा, या इसी को बोल सकते हैं r बटे 2 into sec थीटा, बहुत बढ़िया भाई, अब आ जाओ मुझे f निकालना है,
क्या f की वैल्यू, ये फोकल लेंथ स्मॉल f की वैल्यू कैपिटल r माइनस x होगी, बिल्कुल होगी। तो फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू कैपिटल r माइनस x, यानी कैपिटल r माइनस r by 2 sec थीटा। दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दिस लेंथ f, नॉट r by 2, नॉट r by 2, नॉट r by 2, r माइनस r by 2 sec थीटा। पर फिर भी यहां से आगे रे ऑप्टिक्स जितनी भी पढ़ोगे, जितना भी मिरर पढ़ोगे, आप पढ़ोगे f is equals to r by 2। सिर्फ आज के लेक्चर में ये बात आई और इससे रिलेटेड सवाल आएगा। अब बात आती है ऐसा क्यों सर, आओ समझते हैं। ये रेज अभी ये स्पेसिफाई नहीं किया था कि पैरा एक्सियल है कि नहीं, अब ये स्पेसिफाई नहीं हुआ था कि ये मिरर छोटा सा है कि नहीं। अब इसी कहानी पे हम कंडीशन लगाना स्टार्ट करते हैं। आ जाओ कंडीशन लगाते हैं। इफ कहा लगाए, एक खींच के लाओ, यहां से स्टार्ट करते हैं। इफ मिरर इज ऑफ स्मॉल अपर्चर, जो कि आपके सिलेबस में 90% टाइम होगा, स्मॉल अपर्चर का होने का मतलब ये छोटा सा मिरर होगा तो रेज पैरेलल होगी रे बाबा रे, देन रेज विल बी पैराएक्सियल। भाई अपने आप वो एक्सिस के पास आ जाएंगी, छोटा सा ही मिरर है, और रेज जैसे ही पैराएक्सियल होंगी वैसे ही थीटा विल बी वेरी स्मॉल। वेट आई विल शो यू दिस, आओ देखते हैं। इसको ज्यादा छोटा नहीं करना, थोड़ा सा छोटा करो, आपको आइडिया मिल जाएगा। रे बाबा रे, ये लो मैंने थोड़ा सा छोटा किया रे बाबा। आओ देखो, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ये रही रे, एक ही रे ले लो, समझ में आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बताओ थीटा छोटा हो गया, यही रेज और पास आएंगे थीटा और छोटा हो जाए। रेज जितने क्लोज लाते जाओगे, ये देखो दोनों रेज पास पास, अब बताओ यहां से जो बनाओगे थीटा छोटा हो गया। रेज जितनी क्लोज ले आओगे आप, जितनी क्लोज दो रेज आएंगी उतना ये थीटा छोटा होता जाएगा। अब फील हो रहा है, ये देखो रेस यहां से पास आती जाएगी, फील आना चाहिए, ठीक है। ए, ये थीटा छोटा हुआ, रेस और पास ले आओ, ऐसे थीटा और छोटा हो गया, पास आते जाओ। तो अगर मिरर स्मॉल अपर्चर का है या रेस पैराएक्सियल है, दोनों एक ही बात है, तब थीटा बहुत छोटा होगा। क्या आपको पता है जब थीटा छोटा होता है तो आप साइन थीटा को लिखते हो नियरली थीटा और कॉस थीटा को लिखते हो नियरली वन। थीटा छोटा यानी जीरो के पास करीब करीब, कॉस जीरो वन के पास, थीटा छोटा मतलब जीरो के पास, कॉस जीरो वन के पास। अच्छा कॉस थीटा वन होगा बच्चों, तो क्या हम बोल सकते हैं सेक थीटा भी वन होगा। भाई कॉस और सेक क्या होते हैं, दूसरे के रेसिप्रोकल। और इस कंडीशन में सेक थीटा वन होते ही एफ हो जाएगा आर माइनस आर बाय टू, वो हो गया वन, यानी एफ आ जाएगा आर बाय। तो आपके सिलेबस में 90% टाइम तो आपको यही खेल खेलना है और इसी को आपको फोकल लेंथ समझना है। आपसे कोई पूछेगा फोकल लेंथ तो आप यही समझना आज भी, क्या r by 2। बट अगर सवाल आ जाता है सीरियस उठा के लड़ा देता है, बोलता है डिस्टेंस बताओ और नहीं बोलता ये फोकस है, तो r by 2 नहीं, ये पूरा फॉर्मूला लगेगा। छापो समझाते हैं कैसे आया f is equals to r by 2 समझ में आया। कॉन्वेक्स में भी सेम कहानी हम कर सकते हैं, छाप लें। इसको डिराइव करने के और भी तरीके हैं, बट दिस इज द बेस्ट मेथड जिसमें मैं आपको ये कहानी भी समझा पाया। नोट करें, छाप लिया, सवाल पे आए। चलिए सवाल करते हैं, मिटा रहे हैं इसको, बहुत बढ़िया। ठीक है, और एक सवाल करते हैं, खुश ये एक मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर दिया है। इसमें एक रे ऑफ लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर दिया है, 3 सेंटीमीटर ऊपर से आ रही है, और ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को यहां पे काट रही है इस जगह पे, है ना। हमसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिस्टेंस y, हमसे कहा फाइंड y। अब जो नहीं पढ़ के आया वो क्या समझेगा, पैरेलल रेज है तो लड़कर कहां जाएंगी, फोकस पे, तो
तो ये फोकल लेंथ, वो सीधा बोलेगा y is equals to r by 2, आंसर लिख के आएगा 5/2, सोचेगा ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, जबकि भाई साहब ये गलत हो गया, क्योंकि ये पैरा एक्सियल रे है ही नहीं, 3 सेंटीमीटर बहुत दूर है, इसके रेडियस के सामने देखो कंपेरेबल डिस्टेंस, इससे कंपेयर कर लो, वो 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 मिलीमीटर होगा तो छोड़ देते, 5 सेंटीमीटर बड़ा स्फीयर ही है, उसमें 3 सेंटीमीटर ऊपर से आ रही है, ये पैरा एक्सियल थोड़ी ना, मार्जिनल रे है, दूर से आ रही है, ये नीचे ले गया, ये फोकस है ही नहीं। अब क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें अब क्या करें क्या करें क्या करें ये तो गलत हो गया, अब क्या करें क्या करें क्या करें बताओ क्या किया जाए क्या किया जाए। अब ये y कैसे निकाला जाए, क्या अब ये y ऐसे आना चाहिए, y is equals to r minus r by 2 sec theta, ये फॉर्मूला तो हमेशा सही है ना, सारी रेस के लिए सही है, पास होता तो ये sec theta 1 हो जाता। अच्छा अब बात ये कि थीटा कितना हो, थीटा निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं इसको यहां से जोड़ा, क्या बन गया नॉर्मल, ये क्या बन गया नॉर्मल, ये एंगल निकालना है थीटा, थीटा मिल जाए तो वाई मिल जाएगा, अरे यार हमने निकाला था ना अभी ये डिस्टेंस r माइनस r बाई 2 sec थीटा, अच्छा ये थीटा तो ये थीटा और ये भी थीटा शायद कि नहीं, अच्छा ये डिस्टेंस दे रखा है ध्यान से देखो अगर तो 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर दूर से आ रही है, ये डिस्टेंस भी कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। अच्छा ध्यान से देखो तो आपको ये डिस्टेंस भी पता है, यही तो रेडियस के बराबर होगा, यानी ये डिस्टेंस हो गया 5 सेंटीमीटर, नहीं सोचो, ये सेंटर, ये सर्कमफेरेंस, ये रेडियस होगा कि नहीं, पूरा मिरर कंप्लीट करो, ये रेडियस 5 थी और ये एंगल 90, ये ट्रायंगल उठा लो बाहर जरा, थीटा मिल जाएगा, ये रहा थीटा, ये 5, ये 3, अगली साइड खुद से बता लोगे, 4 सबको पता है, ये 5 ये 3 तो ये 4, यहां से cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, यहां से sec थीटा हो जाएगा 5/4, खेल खत्म हो गया, y is equals to r, r है 5 minus r by 2, sec थीटा कितना है 5/4, खेल खत्म, y is equals to 5 minus 25/8, y is equals to 8/5 = 40 minus 25, 15/8 cm is the correct answer, 5/2 is the wrong answer. अगर यही 3 मिलीमीटर लिखा होता तब आप ये मार देते, भाई देखो 3 मिलीमीटर होता कहां गए, ये 3 मिलीमीटर होता तो बहुत छोटा होता, बहुत छोटा, 3 मिलीमीटर होता तो ये इतना सा होता कि नहीं, फिर तो मैं इसी बनाती, एंगल बहुत छोटा हो जाता, एंगल छोटा हो जाता तो ये 1 हो जाता, ये 1 हो जाता, तब आप लिख देते r / 2, ये 1 हो जाता, समझ गए, इससे देखो कि इसके साथ कंपेरेबल है। आ गया समझ में, दिस इज नॉट फोकस, दिस इज नॉट फोकल, क्लियर हो गया, चलिए। अच्छा अब आपको एक दो लाइन और इंपॉर्टेंट लिखा देते हैं, लिखिए द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव एंड ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, ऑलवेज पूरे सिलेबस में याद रखना, हम जितने भी सवाल कराएंगे ऐसे कराएंगे, कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव ऑलवेज, ये सब याद रखो, अभी अपकमिंग लेक्चर में बहुत फायदा होगा इसका ऑलवेज। अब ये क्यों हो रहा है जरा समझो, इसके लिए एक कहानी बना रखी है इन्होंने, जिस कहानी का नाम है साइन कन्वेंशन, इस गुरुकुल की मर्यादा प्रतिष्ठा है ना और सम्मान, यानी इनका अपना एक साइन कन्वेंशन है, इनके हिसाब से चलना पड़ेगा बाबा, है ना, यहाँ पे आप छोड़ नहीं सकते, इनके हिसाब से चलना पड़ेगा रे बाबा। तो क्या है इनका साइन कन्वेंशन, इनका साइन कन्वेंशन है पहला पॉइंट, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, कुछ मेजर करना है कहां से करो, पोल से, फोकल लेंथ मेजर करनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, इमेज डिस्टेंस वी, जो भी मेजर करना है पोल से करो। दूसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, द डायरेक्शन ऑफ, ये रिपीट होगा अगले लेक्चर में, दो तीन लेक्चर में फिर होगा कहीं ना कहीं, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव एंड एनी डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग
इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव एल्स नेगेटिव, ये क्या बोल रहे हैं कि इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है वही पॉजिटिव डायरेक्शन है। अब हर सवाल में इंसिडेंट रे का डायरेक्शन चेंज हो सकता है और उसके हिसाब से आपका पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होगा। ध्यान से सुनो बात को, मतलब अब ये भूल जाओ कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव और ये डायरेक्शन नेगेटिव। हम तो यही करते थे ना बचपन से, यही करते हैं कि इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, नहीं। इन्होंने कहा देखो इंसिडेंट रे किधर से आ रही है, जिस तरफ इंसिडेंट रे जा रही है ये द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव फॉर द होल क्वेश्चन। मेरी बात सुन लो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त एकदम लॉजिक काम करेगी इसकी। फॉर द होल क्वेश्चन इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पकड़ लेना वही पॉजिटिव होगा, इसके बाद चाहे रिफ्लेक्ट होकर इधर जाए चाहे उधर जाए चाहे रिफ्रैक्ट हो कुछ भी हो, हमेशा द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव एंड एनी डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव एंड अपोजिट टू इट, एल्स नहीं लिखते, एंड अपोजिट टू इट इज नेगेटिव। इससे आपको ये पॉइंट ऑफ समझ में आ जाएगा। जरा कॉनकेव मिरर को ध्यान से देखो, डंग 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 ये आई थी रे और ऐसे लग गई थी फोकस में और ये हमारा पोल था और ये हमारी फोकल लेंथ थी। तो क्या बोला, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ठीक है, पोल से फोकस की तरफ गए, पहले भी हमने बताया पोल से फोकस जाना है, ये हुई फोकल लेंथ। देखो इंसिडेंट रे कैसे आ रही है, ये अपनी इंसिडेंट रे, ये तो रिफ्लेक्टेड है, इंसिडेंट रे ऐसे और आप फोकल लेंथ ऐसे मेजर कर रहे हो, मतलब ये क्या हो गया अपोजिट टू इंसिडेंट रे हो गया, तो इसलिए नेगेटिव। कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। एक और देखते हैं, कॉन्वेक्स का और फील आएगा, कॉन्वेक्स का भी देख लो, ये कॉन्वेक्स है, रे ऑफ लाइट ऐसे आई थी और शायद ऐसे डाइवर्ज हो गई थी, डाइवर्जेंट मिरर, और पीछे मिली थी फोकस पे, इसको बोला था फोकल लेंथ हम लोगों ने, पोल से फोकस, कहां से मेजर करना है पोल से फोकस। आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, मजे लो आराम से, धीमे धीमे लेवल बढ़ेगा लेक्चर वाइज लेक्चर। ये रे ऑफ लाइट आई डाइवर्ज हुई और पीछे फोकस पे मिली और इस डिस्टेंस को आपने बोला था फोकल लेंथ। अब ध्यान से देखो, इसमें इंसिडेंट रे भी इधर आ रही है और फोकल लेंथ भी इधर जा रही है, तो यहां पे इंसिडेंट रे के साथ हो गए तो ये पॉजिटिव हो गया, कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव। यहां पर देखो इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है और फोकल लेंथ ऐसे, यहां क्यों पीछे आ रहे हो, क्योंकि कहां से मेजर करना है पोल से, ये नहीं कि सर चलो इसे मेजर कर लेते हैं फोकस, नहीं, हमेशा पोल से। यहां भी देखो कहां से मेजर किया पोल से, यहां भी कहां से मेजर किया पोल से, तो पोल से फोकस आने में जो लेंथ होती है फोकल लेंथ, यहां इंसिडेंट के अपोजिट आ रहे थे नेगेटिव, यहां इंसिडेंट के साथ जा रहे तो ये पॉजिटिव। एक पॉइंट और लिख लो, आज उसका यूज नहीं है, हाइट अबव, हाइट्स अबव प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव एंड दोज बिलो प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी रखेंगे वो पॉजिटिव और उसके नीचे जो भी है वो नेगेटिव, ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी ना तब यहां वहां पर सब काम आता है। क्लियर हो गई ये बात, द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, लेंसेज में भी सेम है कहानी, कॉनकेव की नेगेटिव कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, बताते चल रहे रटते चलो चीजें, ये सब दिमाग में रहेगी, क्वेश्चन मार्क करना बनेगा, फॉर्मूला आएगा 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू, अपने आपको पता है F तो इसका नेगेटिव है, नेगेटिव खड़ा तेजी होनी चाहिए, कॉनकेव लेंस हो कॉनकेव मिरर हो F नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर हो कॉन्वेक्स लेंस हो F पॉजिटिव। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, इंसिडेंट रे जिधर गई उसके अपोजिट, इंसिडेंट रे जिधर गई उसके साथ, ये साइन कन्वेंशन, ठीक है, प्रतिष्ठा और सम्मान इस स्कूल का। तो आइए हम और अब चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ, मिटा दें इसको, नोट कर लो, मिटाने जा रहे हैं, मिटा रहे हैं, मिटा रहे हैं, मिटा रहे हैं, पॉज करके नोट कर लो। चलो भाई नेक्स्ट अपना एक छोटा सा टॉपिक, फोकल प्लेन, फोकल प्लेन, फोकल प्लेन। अब यहां मान के चल रहे हैं कि अपना मिरर छोटा है या पैराक्सियल रेज हैं जो एक्सिस के पास हैं, ठीक है, सब मान के चल रहे हैं, फोकल प्लेन कॉनकेव मिरर के लिए
यहाँ मान लो मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, टारा, ये प्रिंसिपल है पोल, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये अब सुनो ध्यान से सुनो, अगर रेज ऑफ लाइट आपस में पैरेलल हैं, अगर रेज ऑफ लाइट आपस में पैरेलल हैं, शायद प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो, शायद ना हो, उससे मतलब नहीं है, अगर रेज ऑफ लाइट आपस में पैरेलल हैं, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मीट एट अ कॉमन पॉइंट, कोई भी रे, मान लो इधर से दो रे आती लड़ती, तो दे विल मीट एट अ कॉमन पॉइंट, इफ रेज आर पैरेलल दे विल मीट एट अ कॉमन पॉइंट। अब ये पॉइंट फोकस हो जरूरी नहीं भाई, फोकस तो तब होगा जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती, फोकस तब होता जब ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो। अभी बोला इफ रेज ऑफ लाइट after reflection from concave mirror meet या converge again at a common point, ठीक है। अब मान लो यहां से जाती तो भी meet करती, कोई और दो rays होती parallel होती तो भी meet करती, ये जो points हैं ये हमेशा एक plane में आते हैं, ये हमेशा एक प्लेन में लाए करते हैं, दीज पॉइंट्स ऑलवेज लाए इन अ प्लेन कॉल्ड फोकल प्लेन। अरे कुछ नहीं, वही प्लेन है जहां जिसपे यहां पे फोकस होता है। सोचो अब यही रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती तो यहां मिली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो इसी के प्लेन में कहीं मिल गई। एक ऐसा प्लेन होता है, जो फोकस से पास करता है, फोकस के अंदर होता है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट है तो कहीं ना कहीं इसी में मिलेंगी, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से भी पैरेलल है तो फोकस में मिल जाएंगे। अरे भाई ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये रहा फोकस, ठीक है। अगर रेज ऑफ लाइट मान लो प्रिंसिपल एक्सिस से भी पैरेलल है तब भी तो वो फोकल प्लेन में ही मिल रही, पैरेलल रेज ऑफ लाइट चाहे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो चाहे पैरेलल ना हो मिलेगी कहां, हमेशा फोकल प्लेन में। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है तो कहां मिल जाएगी, फोकस पे। फोकस भी कहां है, फोकल प्लेन के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर मीट एट अ कॉमन पॉइंट, दीज पॉइंट्स ऑलवेज लाई इन अ प्लेन कॉल्ड फोकल, ठीक है। ऐसे लिख लो सेट्स ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट, कोई भी सेट हो, दो यहां से हो, यहां से हो, कहीं से भी, मान लो यहां से हम दो रेज लें, मान लो हम यहां से दो रेज लेते हैं ऐसे ऐसे, तो ये भी रिफ्लेक्ट होके कहां मिलती, कहीं फोकल प्लेन के अंदर। पैरेलल रेज है तो हमेशा फोकल प्लेन में, कैसा प्लेन है, फोकस से पास करेगा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। यहां भी देख लो कॉन्वेक्स के केस में, मैं सामने खड़ा हूं बोर्ड के, हट रहा हूं, नहीं गंदी गंदी गालियां रखने लगे, हट रहा हूं, मुझे पता है मन में तुम लोग क्या बोलते हो, बाहर से शराफत अंदर क्या चल रहा है, प्यारे प्यारे शब्द, देखो सब सही है जब तक कोई सुने ना, ठीक है ना, तब तक सब सही है, पकड़े जाओगे बहुत पिटोगे। हाँ तो मन की बात मन में, हाँ तो मन की बात तो कोई और भी करता है, खैर तो ये पैरेलल रेस, हाँ क्या होता रहा यहां पे सेंटर, मैं बोल रहा कि रेज ऑफ लाइट हो जो आपस में सिर्फ पैरेलल हो, सिर्फ आपस में पैरेलल की कंडीशन है, तो एक रे मान लो ऐसे आ गई ट्रर कचाक, एक रे ऐसे आ गई ट्रर कचाक, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ गई। अब ये क्या होंगी, यहां से डाइवर्ज हुई, ठीक है, ये मान लो ऐसे चली गई और ये डाइवर्ज हो जाएगी, ये रेज ऑफ लाइट जो पैरेलल है वो डाइवर्ज तो हुई पर पीछे वो किसी कॉमन पॉइंट पे मिलती हुई दिखी, और ये कॉमन पॉइंट लाए करेगा इसके किसमें, फोकल प्लेन में। भाई बता रहे इसका फोकस भी बीच है, यहां पे फोकस है। अब यही रेज ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती तो डाइवर्ज करने के बाद कहां दिखती, फोकस में जाती थी।
फील ले लो आज के लेक्चर में ताकि आप आगे एकदम कॉन्फिडेंट रहो अंदर से, ना ये नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला लगा रहे हैं। मैंने देखा है मिरर में लेंस में बच्चे फॉर्मूला लगा रहे हैं, चीजें ही नहीं पता अंदर। यही रेज ऑफ लाइट मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होती तो ये डाइवर्स तो डेफिनेट नहीं करती, पर पीछे कहां पे मिलती फोकस। अब ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है बस आपस में पैरेलल है, तो भी ये डाइवर्स करने के बाद जिस पॉइंट में मिलेंगी वो कहां लाई करेगा, फोकल प्लेन में। इसके लिए कहानी लिख सकते हो क्या, सेट्स ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्जेस, आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्जेस, द डाइवर्जेंट रेज ऑन being produced backward meet at a common point, these points always lie in a plane, और इसी plane को बोलते हैं focal plane, clear। देखो फोकल पॉइंट क्या है, कॉनकेव में रेज ऑफ लाइट आई और कन्वर्ज हो गई, फोकल पॉइंट। कैसी रेज, पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के भी। अगर रेज सिर्फ पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल नहीं है, तो भी वो जहां पे कन्वर्ज करेंगी वो हमेशा फोकल प्लेन के अंदर होगी, इसी प्लेन में हमेशा गिरेगी। जैसे यहां पे क्या था, पैरेलल रेज ऑफ लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के तो डाइवर्ज हुई और पीछे ले जाकर कहां मिली, फोकस पे। मान लो सिर्फ पैरेलल है तो डाइवर्ज होकर पीछे जहां मिलेंगी वो हमेशा फोकल प्लेन के अंदर होंगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कांसेप्ट, याद रहेगा। तो यहां पे इंट्रोडक्शन इसका थोड़ा खत्म हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अभी सिर्फ रे डायग्राम देखेंगे, उसके बाद आएगा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे धीमे धीमे प्रैक्टिस करते चलो, एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर के कुछ सवाल लाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।